फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कोरोजन क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी भी मेटल को, जैसे आपने आयरन को देखा होगा, अगर हम आयरन को एयर में काफ़ी टाइम के लिए रखा रहने देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, एक कोरोजन का एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हो। आप कभी चांदी की रिंग वगैरह पहनते हो तो आपने देखा होगा, जैसे जैसे टाइम पास होता है वो चांदी की जो रिंग है वो ब्लैक ब्लैक कलर की होने लगती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का ही एग्जाम्पल है, मतलब मेटल का खराब हो जाना इज कॉल्ड कोरोजन। द प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। एयर की वजह से खराब हो सकती है, वाटर की वजह से खराब हो सकती है, किसी एसिड की वजह से खराब हो सकती है, इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। ओके, फिर से रिपीट करें, द एक्शन इन विच अ मेटल इज ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड मॉइस्चर और एसिड, देन इट इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जाम्पल बताते हैं आयरन। आयरन को जब आप एयर में रख देते हैं, ऐसे हवा में खुला छोड़ देते हैं, तो हवा में क्या होता है, देखो ऑक्सीजन तो होती है प्लस वाटर वेपर भी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है प्लस वाटर वेपर भी होती है। तो पता है आपको, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की जंग लग जाती है, जिसको आप जंग बोलते हो। जंग मतलब वॉर, युद्ध थोड़े ना करना है, यहाँ पर रस्ट बोलते हैं उसे। हम क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या होता है सर, वो ब्राउन कलर की जो रस्टिंग हमको दिखाई देती है वो होती है आयरन थर्ड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्या होती है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ध्यान है, मैंने आपको बताया हुआ है फेरस ऑक्साइड क्या होता है और फेरिक ऑक्साइड क्या होता है। डॉट H2O। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं होते, क्योंकि एयर में जो वाटर वेपर है वो कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हमने X लगा लिया। X वाटर के मॉलिक्यूल मान लिए, वो कभी कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या रिएक्शन बैलेंस है, यही होती है रस्ट। ठीक है, अच्छा बताओ, ये हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड है या एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड है, सोच के बताओगे। जो रस्ट है वो हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड बोलोगे या एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड बोलोगे। हमने बताया हुआ है, अगर वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उस सॉल्ट को हम बोलते हैं हाइड्रस या फिर हाइड्रेटेड, कोई भी वर्ड लगा दीजिए, हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एक बार एग्जाम में यही आ गया था, रस्ट इज हाइड्रेट हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड, एनहाइड्रस फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रस फेरस ऑक्साइड, एनहाइड्रस फेरस ऑक्साइड। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, हाइड्रस फेरिक ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए जरा चेक करते हैं, सर बैलेंस कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, अगर ये बताओ, अगर हमको रस्टिंग को रोकना हो, ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ध्यान रखेंगे। पहले भी हम कई बार इसको बता चुके होंगे कहीं ना कहीं। अगर हमें रस्टिंग को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, सर हम आयरन के ऊपर पेंट कर सकते हैं। बाई पेंटिंग वी कैन प्रिवेंट द रस्टिंग। बाई ऑयलिंग, ऑयल लगा दें। ओके, और एक और प्रोसेस होती है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। इस तरह से हम आयरन को रस्टिंग होने से भी बचा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंसिडिटी। क्या आता है, रेंसिडिटी। क्या होती है सर रेंसिडिटी, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे साथ तो हुआ था, पता नहीं आपके साथ हुआ हो ना या ना हुआ है। कभी हम लंच लेके गए स्कूल में, ठीक है, बहुत बढ़िया था लंच, मम्मी ने बनाया एकदम सैंडविच बढ़िया वाली और हम लेके गए। पता चला कि सर दोस्त लाया एकदम छोले भटूरे बहुत बढ़िया वाले और सबके लिए लेके आया, तो सबने छोले भटूरे खाए, सैंडविच रखी रह गई और लंच भूल से स्कूल में ही रह गया। और याद आया 2-3 दिन बाद कि सर लंच स्कूल में ही रह गया है। तो जब लंच को ओपन करके देखते हैं तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है ना, उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, स्मेल भी बहुत ख़राब आती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जो फूड होता है वो उसका टेस्ट और उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब सर ऐसा होता क्यों है, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड बिकम अनप्लीजेंट। तो आंसर है कि जो हमारे फूड में ऑयल होता है, कोई भी आप फूड बनाओ थोड़ा बहुत ऑयल तो आप उसमें डालती हैं, द ऑयल या फिर फैट भी हो सकता है। द ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन आवर फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। वो क्या करती है, एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो गया फूड का, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ध्यान रखें, फिर से बोल रहा हूँ मैं, व्हेन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड रिएक्ट विद एरियल ऑक्सीजन। एक यहाँ पर एक और वर्ड बोल रहे हैं हम, एरियल ऑक्सीजन। एरियल ऑक्सीजन मतलब वो वाली ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है इज कॉल्ड एरियल ऑक्सीजन. द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड एरियल ऑक्सीजन. The fat and oil present in our food react with aerial oxygen, then the smell and taste of the food become unpleasant. तो जो unpleasant हो जाता है this process is called rancidity. तो समझ गए taste और smell क्यों unpleasant हो जाती है? Because of the oxidation of oil और fat present in the food. सर क्या हम rancidity को रोक सकते हैं? Method to prevent rancidity. Rancidity को रोकने के क्या क्या तरीके होते हैं? पहला तरीका क्या है देखो मैं बताता हूँ. जो चिप्स वगैरह आप लोग यूज करते हो, खाते हो, लेज, कुरकुरे, आप देखते हो बड़ा सा पैकेट आता है लेकिन उसमें से सर चिप्स तो बहुत कम निकलते हैं, उसमें हवा भरी रहती है. तो वो बच्चों हवा नहीं होती क्योंकि जो चिप्स वगैरह होते हैं वो ऑयल में फ्राई किए जाते हैं. अगर आप उनको विदाउट एयर में पैक करोगे तो रेंसिडिटी की प्रोसेस हो जाएगी और चिप्स वगैरह खराब हो जाएंगे 2-3 दिन में ही. तो उसको एक इनर्ट गैस में पैक किया जाता है, नाइट्रोजन गैस. ओके, चिप्स वगैरह को किस में पैक किया जाता है? नाइट्रोजन गैस में, या कोई और इनर्ट गैस भी फिल की जा सकती है. नाइट्रोजन गैस का जो बिहेवियर होता है वो इनर्ट गैस की तरह होता है. तो पहला पॉइंट हो गया टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय पैकेजिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस. दूसरा क्या है, आप फूड को रेफ्रिजरेटर में रखिए बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर. तीसरा पॉइंट हो सकता है बाय पैकिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर. फूड को एयर टाइट कंटेनर में पैक करिए. जब एयर ही नहीं होगी तो एयर में ऑक्सीजन भी होती है तो वो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑयल का और फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड हमारा खराब भी नहीं होगा. एक पॉइंट और भी हो सकता है बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम सनलाइट. आप लाइट से दूर रखिए. आपने देखा होगा कि कुछ फूड ऐसे आते हैं जो एकदम एयर टाइट कंटेनर होते हैं, काफ़ी टाइम तक आप वो प्रिजर्व रहते हैं, ठीक रहते हैं. तो रेंसिडिटी को प्रिजर्व करने के 3-4 स्टेप भी आप लोगों को बताए. एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड. फूड में आप एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए. सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को एंटी कर देते हैं. एंटी का मतलब होता है अपोजिट, जो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते. ठीक है, तो सर दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट के नाम बताते हैं हम, BHA और BHT. दो एंटीऑक्सीडेंट मैंने बताए. पूछा जाता है कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, तो आप क्या बोलोगे? दोज केमिकल विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या ऐसे बोलिए दोज केमिकल्स विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन द फूड आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट. ओके, और एग्जाम्पल BHA एंड BHT. ओके, BHA की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है तो नाम बता देते हैं हम, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल. ओके, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है. दूसरा है BHT, इसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी. आप लोग पहली बार सुन रहे होगे, इतना बढ़िया नाम आप कहोगे सर ये क्या दवाई का नाम लिख रहे हो? तो दवाई का नाम नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट टॉलुइन. ये दो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा एंटीऑक्सीडेंट की एग्जाम्पल्स में, BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन.